हेलो, वेलकम टू यूपीएससी रेनबो। लास्ट सेशन स्टडी अबाउट द यूपीएससी सीएपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज 2011। सो लेट अस बिगिन विद 2010। हियर आस्किंग जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, वेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर इज ए। वेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर इज बी। वेन स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, सो आंसर इज सी। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, सो आंसर इज डी। सो लेट अस बिगिन विद 17.5 नंबर क्वेश्चंस। फर्स्ट है 27 स्टेटमेंट वन। डिस्पाइट द नॉर्दर्ली लेटिट्यूड द क्लाइमेट ऑफ यूके इज जनरली माइल्ड। नॉट यूके जनरली माइल्ड, यूके इज द कोल्ड रीजन एंड मॉडरेट रीजन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट साइन करेक्ट। बारमेयर फ्रॉम द नॉर्थ अंटार्कटिक ड्रिफ्ट एंड द वेस्टर्न अफ्रीका कंबाइंस विद कोल्ड बेल्ट एयर फ्रॉम द आर्कटिक एंड आइसलैंड। दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आस्किंग व्हाट द करेक्ट स्टेटमेंट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट साइन करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, सो आंसर इज डी। 77 नंबर क्वेश्चन। द एंटीपोडल पोजिशन ऑफ द प्लेस लोकेटेड 35 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री ईस्ट इज वाट। एंटीपोडल पोजीशन आपको जानने के लिए है, तो आप ऐसा मैप ड्रॉ कीजिए। आपका ये हो गया आपको ग्रीनविच लाइन 0 लैट लॉन्गिट्यूड, और आपका ये हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया आपको नॉर्थ पार्ट एंड आपको साउथ पार्ट हो गया। तो अगर कोई पोजीशन 50 डिग्री, 35 डिग्री आपको नॉर्थ में है आपका एंड वेस्ट में, तो इसका एंटीपोडल पोजीशन क्या हो जाएगा, आपको सीधे ईस्ट में होगा। और आपका इफ अगर साउथ में है तो अगर नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ में है तो साउथ में होगा, लेकिन जो ईस्ट का डायरेक्शन होगा 180 डिग्री माइनस जो एंगल होगा, तो इसका एंगल कितना, 80 डिग्री वेस्ट है तो 100 डिग्री ईस्ट होगा कि नहीं, 35 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री ईस्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। दी इरेगुलरिटी इन दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज मेनली ड्यू टू, जो आपका नॉर्थ इंडियन जो प्लेन रीजन है वहाँ पे रॉनफॉल क्यों इरेगुलर फॉर्म में होता है। इरेगुलर इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये एक प्रकार का रीजन है। वेरिएशन इन द लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द लो प्रेशर थ्रू दिस स्टेटमेंट साइन करेक्ट। डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, नो। वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर कैरिड बाई विंड्स एवरी ईयर, दिस स्टेटमेंट साइन करेक्ट। सो आस्किंग और क्वेश्चन, सो आंसर इज ए। सलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीजेज, कब होगा, इवेपोरेशन मोर होगा तो सलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। विंड वेलोसिटी अगर आपका हाई हुआ तो वो भी सलिनिटी इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी अगर हाई होगा, इसका इवेपोरेशन हाई हो रहा है, इसका सलिनिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन रेनफॉल हाई होने से आपका सलिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। विच वन अमंग द फ्लोइंग इज अ डीप वाटर ऑल वेदर सी पोर्ट इन इंडिया। कांडला आपको गुजरात में है, मर्मोगामो गोवा में, प्रदीप उड़ीसा में, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तो बोला है कि ऑल वेदर सी पोर्ट के नाम से डीप वाटर किसको जाना जाता है, तो विशाखापत्तनम को। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल बट डेक्कन प्लेटू रिसीव्स वेरी लिटल। द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड ऑन दी बेस्ट बीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न घाट ये देखा जाए तो हो गया ये बीवर्ड साइड, आई आपको जो फ्रंट साइड हो गया, यहाँ पे आपको बारिश बहुत ज़्यादा दिखेगी, यहाँ पे ऊपर क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाता, पहुँच नहीं पाता, जिसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये स्टेटमेंट करेगा द रीजन इज सिंपली बाईपास बाय द साउथ वेस्ट, मैंने ये रीजन नहीं है। देर इज लैक ऑफ हाई माउंटेन्स इन द डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे माउंटेन है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देर बीक लो प्रेशर बेल्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी कारण होता है तो बीवर्ड साइड होने के कारण। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। आइसो आइसो हेलाइन इज ए इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेस वे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सेलेनिटी। हेलाइन सेलाइन हेलाइन आइसो हेलाइन किससे रिलेटेड है, सेलेनिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। व्हिच वन
ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू दी नॉर्डिक नॉर्डिक कंट्रीज ट्रू, नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में स्टेटमेंट क्या आपका सही कौन सा है? ओके, नन ऑफ देम आर लैंड लॉक्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड, कोई भी ऐसा कंट्री है नहीं है जो लैंड लॉक्ड है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस टाइम इनकरेक्ट, द आर्कटिक सर्किल पासेज थ्रू ऑल ऑफ देम, दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनलैंड वाटरवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, नो और सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द होल रीजन इज आई स्केप थ्रू द होल रीजन इज सम ऑलमोस्ट ऑल रीजन बट नॉट होल रीजन, सो दिस स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द सर क्रिक, सर क्रिक कहाँ आप गुजरात रीजन देखे होंगे, लास्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ सर क्रिक पाए। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, यह 84 का तो आपको यही आंसर हो जाएगा। इट इज इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द झेलम, नहीं झेलम नहीं, इट इज नैरो स्ट्रीम फॉर्मिंग द बाउंड्री विद इंडियन म्यांमार, नहीं बे ऑफ बंगाल में भी नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा आपका। फाइव है, कंसिडर द फ्लोइंग रेलवे जोन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर लोकेशन फ्रॉम एबव इज बेस्ट टू ईस्ट, आपको ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये हो गया बेस्ट से ईस्ट की ओर समझाना है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपको इधर आ जाएगा गुजरात में, आदि सॉरी गुवाहाटी में, सेंट्रल रेलवे आपको आ जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एंड द साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो सबसे जो आपको वेस्ट में होगा कौन सा होगा, सेंट्रल रेलवे, उसके बाद आपको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उसके बाद आपका आएगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और सबसे जो लास्ट वाला होगा सदर्न ईस्ट रेलवे, इसका आंसर हो गया वन टू थ्री, वाला क्या बोले थे, सेंटर सेंट्रल रेलवे, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न, फिर हो जाएगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और आपका लास्ट में हो जाएगा आपको साउथ वेस्ट ईस्टर्न रेलवे, तो 2 3 1 4 आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन जो दिया गया है गिवन पैसेज में 86 87 88 9, वो इससे दिया हुआ है, अब पढ़ी पैसेज क्या है। रफली एक्सटेंडिंग फ्रॉम 38 डिग्री नॉर्थ टू 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, द कंट्री ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड डाइवर्सिटी, ये आपका लोकेशन बता रहा है 8 डिग्री से हमको 38 डिग्री तक, 68 डिग्री टू 98 डिग्री तक, इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखा गया। इट स्पॉल्स फ्रॉम द स्नोई रेंज ऑफ द हिमालय इन द नॉर्थ टू द शोर ऑफ इंडियन ओशियन ऑफ इन द साउथ थ्रू द ग्रेट प्लेन एंड प्लेटू इन बिटवीन, इसमें बताया कि नॉर्थ में क्या आपका हिमालय रेंज है, और आपको जो साउथ पर इंडियन का सी शोर है, बीच में प्लेन और प्लेटू भरे पड़े हैं। इट इज अबाउट 3,200 किलोमीटर इन लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर से कन्या तक कुमारी का लेंथ कितना दिया हुआ आपको 3,200 किलोमीटर, और 2,900 किलोमीटर वेस्ट टू गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। इट्स वास्टनेस इन एरिया एंड वेरिएशन इन टॉपोग्राफिक कैरेक्टर एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन ग्रेट डाइवर्सिटीज इन द क्लाइमेट वेजिटेशन सॉइल क्रॉपिंग पैटर्न ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सो ऑन, जो आपका जो वैरायटी ऑफ द प्लेन प्लेटू रीजन है जिसके कारण आपको क्लाइमेट में चेंज में दिखता है, वेजिटेशन में चेंज में दिखता है, और सॉइल में भी चेंज दिखता है। इट इज ऑफन नोन एज सब कॉन्टिनेंट रीजन। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल द एक्सटेंट्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम अप्रॉक्स 30 डिग्री, वाई इज इंडियाज नॉर्थ साउथ लेंथ इज लॉन्गर देन द ईस्ट वेस्ट लेंथ वाई 300 किलोमीटर, अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 30 डिग्री आएगा, लेकिन हम नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन 3200 मानते हैं और जो आपका ईस्ट वेस्ट है 2900 किलोमीटर है, तो क्यों 300 किलोमीटर का आपका डिफरेंस दिखता है। दी अलाइनमेंट ऑफ कंट्री सच डैट द नॉर्थ साउथ लेंथ इज लॉन्गर देन इट्स ईस्ट वेस्ट लेंथ, ये ऐसा कोई रीजन नहीं है।
द नॉर्थ साउथ लेंथ व्हिच इज मेजर अलोंग द मेरिडियन ग्रेटर सर्कल लॉन्गर देन द ईस्ट वेस्ट लेंथ व्हिच इज मेजर अलोंग द पैरेलल क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये स्टेटमेंट आपको क्या करेक्ट है? अगर आप सर ये देखेंगे, ये आपका ये लैटिट्यूड है, ये जो आपका लगभग सिमिलर डिस्टेंस है, लेकिन आप इसका देखिएगा तो ये आपका क्लोजर हो जाएगा इस पार्ट में और यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो इसके कारण क्लोजर क्लोजर के कारण आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में शॉर्ट हो जाता है। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट लेंथ कैन नॉट बी कंपेयर एज द फॉर्मर इज मेजर, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द डिफरेंस इज द लेंथ ड्यू टू द वेरिएशन स्केल एरर, ये भी गलत है। तो आस्किंग और करेक्शन में सोंस का आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द प्रिवलेंस ऑफ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, किसके कारण होता है? द लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण होता है, नहीं। द ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट ऑफ द हिमालय, जो हिमालय रेंज है ईस्ट वेस्ट में आपका अलाइनमेंट देखेंगे, ये हिमालय रीज, अब ये आपका मैप हो गया तो ये हिमालय ईस्ट में अलाइनमेंट है, वो एक प्रकार के क्लाइमेट को डिस्टर्बेंस करता है, तो ये तो सही हो गया। द पेंसुलर लोकेशन ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग करता है, द सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन अल्टीट्यूड भी डिपेंड नहीं करता, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन द फ्लोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द प्रिवेलिंग ऑफ द वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, किस ऐसा कौन सा रीजन नहीं कारण नहीं है जिसके कारण क्रॉपिंग पैटर्न में वेरिएशन होता है? तो रेनफॉल वेरी होगा तो क्रॉपिंग पैटर्न वेरी होगा, वेरिएशन सॉइल टाइप होगा तो भी वेरी करेगा, इरीगेशन फैसिलिटी होगा तब भी होगा, लेकिन अल्टीट्यूड में आपको नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टाइम इज नॉट करेक्ट, टाइम से क्यों, द लोकल टाइम डिफरेंस बिटवीन द गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इज अराउंड 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, नॉट 2 आवर्स, ओके। गुजरात सेव्स अबाउट 1 आवर टाइम ओवर आई एस टी यस, अरुणाचल प्रदेश लॉसेस अबाउट 2 आवर्स ओवर द आई एस टी यस, एंड आई एस टी इज एडवांस्ड बाय 5 आवर 30 मिनट्स अगेंस्ट जी एम टी यस, तो आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, नोट करेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर इसका आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेक ओंटेरिया एंटोरियो एंड सेंट लॉरेंस ऑफ यूएसए एंड कनाडा लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ, किसके साउथ ईस्ट में लाई करता है आपको बताना है, तो हुडसन बे, लेबरेटर सी, अंटार्कटिक ओशियन एंड न्यू फाउंडेशन, अंटार्कटिक ओशियन के साउथ में बिलोंग करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोस्टल सिटी, हैम्बर्ग इज देयर, वाशिंगटन इज देयर, बर्लिन इज देयर, 1, 2, 3 इज देयर, बट 4 इज ऑब्वियसली 1, 2, 3 इज देयर, सो आंसर इज 1, 2, 3, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैच लिस्ट वन लिस्ट विथ फ्लोइंग टर्म डिफाइन, आइसो वार्स मीन सेम इक्वल प्रेशर, सो ए इज मैचिंग विथ 2, ए इज मैचिंग विथ 2, आइसोक्रोम्स, आइसोक्रोम्स इज लाइन्स ऑफ इक्वल टाइम्स, क्रोन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोन्स, सो सी का क्या हो जाएगा आपको, 1, तो इसका आंसर हो गया C2, 4, 1, आइसो हेल्स हो गया आपको इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, तो आइसो हेल बोलेगा तो इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट बोलिएगा, आइसो बार बोलेगा तो इक्वल प्रेशर हो जाएगा, आइसो क्रोन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इक्वल टाइम, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। आपका नेक्स्ट है कि साइक्लोन के नाम से आपको मैच करना लोकेशन, हरिकेन हमेशा यूएसए में आता है तो ऑस्ट्रेलिया की बातें नहीं, बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में आता है ये भी गलत है आपको, टाइफू आल्सो कॉल्ड तूफान इज जापान, तो ये भी गलत हो गया आपको,
अब बात दो कि बेगोई आपको फिलीपींस, ये सही है, तो करेक्टली मैच को बेगोई आंसर इसका क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर एज इनिशियल वार्निंग ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी। अगर सुनामी आ रहा है तो कैसे पता लगे इनिशियल वार्निंग है। थंडरिंग नॉइज, स्क्वेली वाइंड्स एंड रेनफॉल, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर अवे फ्रॉम द, रैपिड लैंडवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये पता चलता है कि सुनामी आने वाला है। तो 95 का क्या हो जाएगा आपको, डी।